अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि जो देवरानी जी हैं उनके हस्बैंड ने, यानी कि सुमित ने, वीडियो में, व्लॉग में आने से मना कर दिया। आपने देख ही लिया होगा वीडियो, है ना? तो फ्रेंड्स, उस पर भी बात करेंगे। बाकी यस, डेफिनेटली मैंने जैसे इससे पहले वीडियो डाला था, और जो कामिनी जी हैं, जो कि अब आपने देख ही लिया होगा उनका वीडियो, और मैंने एक अपनी प्रतिक्रिया रखी थी, एक रिएक्शन था मेरा, जहाँ पे मुझे लगा था कि नहीं, थोड़ा सा मुझे लगा कामिनी जी ने ओवर एक्ट किया। तो उस पर कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोगों ने बोला कि नहीं, हम इनको बहुत पहले से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जब फर्स्ट टाइम माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के जाती है, तो उसको डेफिनेटली बुरा लगता है। तो देखिए, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, आपकी बात से हम सहमत हैं, मुझे भी ऐसा लगा, मुझे थंबनेल देख के लगा था। थंबनेल अगर आप देखें तो उसको देख के मुझे लगा था। लेकिन यस, देखिए, गलती हमसे भी होती है। अगर आप लोगों को लग रहा हो सकता है मेरे को ऐसा लगा हो, बाकी बहुत सारे लोगों को ऐसा ना भी लगा हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मेरे को डेफिनेटली सॉरी बोलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, और अपना वीकेंड अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो वीकेंड पे मैं भी गई थी बाहर, और मैंने तो आज बोला भी था कि मैं यस लाइव करूंगी डेफिनेटली, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। तो अभी मैं अपने घर आ चुकी हूँ, एंड देन मैंने वीडियोस दोनों के देखे, और सबसे पहले तो मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे रोज़ देखते हैं, उनको उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना है। तो देखिए, पहले मैं बात करूँगी कामिनी जी के वीडियो की, राइट? तो कामिनी जी का कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं, हालांकि उनका जो आज जो टाइटल था, इमोशनल मोमेंट, मेरे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, रो रो के हुआ बुरा हाल, कठिन पल। तो फर्स्ट टाइम ये धनुआ को छोड़ के, क्योंकि इनको जाना पड़ रहा है, ठीक है, पटना जा रही हैं, और 19 तारीख जिस दिन रक्षाबंधन है, उस दिन गृह प्रवेश है, राइट? तो वहाँ पे अगर खुद बोला है कि भैया का नहीं होता, अगर भैया ने नहीं बोला होता तो मैं सोचती मैं नहीं जाती छोड़ के, और बार बार उसको हक करके पूछ भी रही थी। धनुआ भी देखिए, डेफिनेटली वो भी छोटा बच्चा है, और मैंने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा, जहाँ पे सब लोग ये लिख रहे हैं कि चाहे बच्चा इतना हो, चाहे बच्चा इतना हो, ठीक है, मैं भी माँ हूँ, मुझे भी बुरा लगता है जब मैं अपने बड़े बच्चे को भी छोड़ के जाती हूँ, तो धनुआ तो बहुत छोटा है। देखिए, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। मेरा पॉइंट पिछले वीडियो में ये था, जब मैंने थंबनेल देखा, थंबनेल को देख के मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, यहाँ पे आप सिंपल वे में बोल सकती थी, लेकिन थोड़ा सा थंबनेल को देख के इसलिए मुझे लगा था, इसलिए मैंने अपनी बात रखी थी। बाकी हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, ठीक है, आप लोगों की थिंकिंग बिल्कुल, आप लोगों ने भी अपने व्यूज रखे, और मेरे कुछ लोगों ने इसे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया कि आप नाराज मत होना। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मैं नाराज किसी से नहीं हूँ, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, और सबके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे कहती हूँ, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए, अपनी राय रखिए, लेकिन शब्दों का प्रयोग सही से होना चाहिए, राइट? तो बिल्कुल मेरे को, मैं एग्री करती हूँ इन चीज़ों से, लेकिन कई बार आपको, जब आप प्रोफेशन में होते हो, कई बार कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे आ जाते हैं जब आपको अपने बच्चे को, ठीक है, जब आपको कई बार फीडिंग मदर्स अपने छोटे से बच्चों को भी छोड़ के जाना पड़ता है। हालांकि देखिए, कोई माँ ये नहीं चाहती है, लेकिन क्योंकि ये व्लॉगर है, ये इनका ये प्रोफेशन है, इनको कॉन्टेंट दिखाना होता है, कॉन्टेंट लाना होता है। लेकिन यस, धनुआ थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वो भी समझेंगे, उनको एक तरह से प्रैक्टिस, कहते हैं ना, मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस विल मेक हिम परफेक्ट। तो उनको भी पता है कि मम्मा का ये जॉब है, मम्मा को जाना पड़ेगा भाई, और पटना जा रही हैं, आई थिंक इनके हस्बैंड भी इनको इनके साथ इस बार नहीं जा रहे हैं। और रक्षाबंधन के जो वीडियोस हैं, उसमें देखते हैं ये लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, और मैं यहाँ पे ये चीज़ भी बोलती हूँ कि जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अजीत हैं, क्योंकि वो उस दिन घर पे रहेंगे, छुट्टी है रक्षाबंधन की, तो इनकी सासू माँ भी शायद तब तक आ जाएंगी या नहीं आएंगी, जैसा भी मेरे ख्याल से आ जाएंगी, तो आप कोशिश करना जो रक्षाबंधन जो धनुआ धनुई का होगा, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो बॉन्ड है बहुत प्यारा है, भाई बहन बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और कुछ लोग वहाँ पे, मैंने देखा देवरानी जी के वीडियो में भी जाके लोग बोल रहे थे कि आप प्लीज़ धनुआ का अच्छे से ध्यान रखना। तो देखिए, मैं जैसे कि बोलती हूँ कि चाहे ताई जी हो, चाहे चाची जी हो, जब बच्चों की बात आती है ना, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, तो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही मानते हैं, तो उसका ध्यान बिल्कुल डेफिनेटली, मुझे जहाँ तक लगता है, वो दोनों रखेंगे, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं थी। फिर हम इस पॉइंट पर आते हैं, लोगों ने बोला कि उस दिन आप किसी तरह से वीडियो ज्वाइन करना, कामिनी जी पटना में होंगी, अपने मामा के यहाँ, सॉरी अपने ब्रदर के यहाँ, ठीक है, धनुआ के मामा के यहाँ, वहाँ पे गृह प्रवेश है, तो वहाँ पे अटेंड करेंगी, फिर आप किसी तरीके से कुछ ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट क्लिप्स निकाल सकते हो, आपका जो बेटा है वो रक्षाबंधन किस तरह से धनवी के साथ, तो आप भी व्लॉगिंग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपने पहले भी व्लॉगिंग करी है, इनफैक्ट
मैंने जब बीच में देवर, इनके जो कामिनी जी के जो देवर हैं, उनकी ब्लॉगिंग की बहुत प्रशंसा की थी, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि जो अजीत है, इन्होंने भी एक बार वैष्णो देवी वहाँ की ब्लॉगिंग करी है, तो धीरे धीरे इनको भी आदत है और होगी। ठीक है, अगर आप व्लॉगर के हस्बैंड हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको भी आती ही होंगी, तो आप बिल्कुल व्लॉग बना सकते हैं और दोनों मिक्स करके एक प्रॉपर व्लॉग हमें रक्षाबंधन का दीजिए। तो ये बात हो गई। बाकी चलिए, जैसे मैंने बोला, इन्होंने अपनी सारी चीज़ें रखी हैं सामने और जाना ज़रूरी था इसलिए जा रही हैं, और कुछ शॉट्स भी आए हैं जहाँ पे आपने देखा होगा, वो ब्रेकफास्ट वगैरह दिखा रही हैं। एक शॉट आई थी इनका पहले का, जब इनके साथ, जब ये रूम टूर दे रही हैं और इनके साथ शायद इनकी ननद भी गई थी बीच में, वो मैंने ब्लॉग्स मिस किए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं बना रही थी वीडियोज़। चलिए, ये तो इनके वीडियोज़ का हो गया, मैंने क्लियर कर दी कुछ पॉइंट्स। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, इनके मैंने कॉमेंट सेक्शन में देखा कुछ लोग कामिनी जी को बोल रहे हैं कि आपका फेस बहुत ग्लो करता था, अभी थोड़ा आपका फेस डाउन हो गया है आपके फेस में। तो मैं देखिए, मैं यहाँ पे उधर मैंने देवरानी जी का जब वीडियो देखा था, उन्होंने भी बोला था बीच में वेट बढ़ गया था, फिर आपको पता ही है जो चीज़ें हुई उनकी लाइफ में और फिर ये सब, तो उनका अभी इस टाइम वीकनेस और वो सब वो बोल रही थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है उस टाइम पर, मैं हमेशा से कहती हूँ इंसान का मेंटल पीस ना कॉन्ट्रोवर्सी से ख़राब होता है, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो। ठीक है, तो इन चीज़ों से दूर रहिए, नॉर्मल टाइटल्स डालिए, अपना कंटेंट दिखाइए, अच्छी चीज़ें दिखाइए, लोग खुश होंगे, लोग आपको देखना भी चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप अच्छी बॉन्डिंग दिखाएंगे, अच्छा दोनों मिलके वीडियोस बनाएंगे, तो डेफिनेटली लोग आपको पसंद करते हैं और करेंगे। ठीक है, शायद व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगे और प्यार भी उस बॉन्डिंग को देखना चाहते हैं जो इनके ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ तो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, बस जाके हेट फैलानी होती है, वो कुछ भी लिख के आ जाते हैं, इधर इनके खिलाफ उधर उनके खिलाफ। ठीक है, तो मैं जेन्युइन सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हूँ, जो चाहते हैं कि वाकई देवरानी जेठानी एक हो जाए। ठीक है, नाउ कमिंग टू देवरानी जी का वीडियो, चलिए मैं बात करती हूँ इनका टाइटल, पहले मैं पढ़ूंगी। तो इनके टाइटल में ये है कि इन्होंने जो टाइटल आज डाला है, रक्षाबंधन की शॉपिंग नंदों के लिए क्यों मना कर दिया पतिदेव ने मेरे व्लॉग में आने से, पतिदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो खैर, इन्होंने आज नंदों के लिए शॉपिंग करी और जो भी शॉपिंग में सामान, बहुत सारी चीज़ें ली हैं इन्होंने, शायद अपने मायके के पास ही, बता रही थी मार्केट है, वहीं से जनरली शॉपिंग करते हैं, अपने मायके भी गई हैं वहाँ पे धनवी को छोड़ के गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनकी वीडियो देखी, उसमें थोड़ा सा दिख रहा था इनके जो हस्बैंड हैं वो कैमरे पे इतने मतलब कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे। ठीक है, अब मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि क्या हो गया, आप दोनों का झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक कमेंट में बोल भी रहे हैं कि हम आएंगे, और यहाँ पे एक कमेंट पे लोग भी बोल रहे हैं, तो देखिए कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, कहीं ना कहीं जब कॉमेंट्स पढ़ते हैं और जो चीज़ें चल रही होती हैं उसका असर, ठीक है, हस्बैंड्स के भी दिमाग में पड़ते हैं, चाहे यहाँ पे इनके हस्बैंड हो चाहे वहाँ पे कामिनी जी के हस्बैंड हो। ठीक है, अभी वो वीडियोस में नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है कि परमानेंटली वो वीडियोस में नहीं आएंगे, चीज़ें जैसे जैसे ठीक होंगी वो खुद ब खुद वीडियोस में आएंगे। इंसान कई बार, जैसे मैंने कुछ कॉमेंट्स भी पढ़े जहाँ पे इन्होंने खुद रिप्लाई किया हुआ है, ठीक है, आपने भी वो कॉमेंट्स पढ़े होंगे जहाँ पे उन्होंने बोला है कि कई बार मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, तो हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है। ठीक है, जब उसे कंफर्टेबल नहीं लगता, उसकी उनकी अपनी मर्जी होगी, हो सकता है वो इस टाइम कंफर्टेबल ना हो, हो सकता है वो इतनी सारी कंट्रोवर्सी, इतनी सारी जो चीज़ें चल रही हों, वो कहीं ना कहीं चीज़ों से इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा इन्होंने अभी साइडलाइन किया है, डेट डजेंट मीन कि इनकी लड़ाई हो गई है। और किसी ने जो एक कॉमेंट किया उस पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हंसी में बोल रहे हैं। तो यस, मुझे लगता है डेफिनेटली स्पेस देना चाहिए, जब उनको कंफर्टेबल फील होगा, वो जिस तरह से आते हैं वीडियोस में, और जैसे मैंने पहले भी बोला है ना, समझदार हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों हस्बैंड वाइफ में बात करूं तो मुझे इनके हस्बैंड ज़्यादा समझदार लगते हैं, ये थोड़ी चुलबुली सी हैं, अभी इनको इतना नहीं है, और ये खुद मानती हैं कि मैं वर्ड्स ढंग से चीज़ें बोलनी भी होती, तो कई बार नहीं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं प्रॉपर वर्ड्स। तो इनके हस्बैंड हैं समझदार, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए हैं, और जिस तरह से जो इन्होंने कुछ खुद ही चीज़ें बताई थी देवरानी ने, कि किसी की आई थिंक किसी रिलेटिव नेबर में किसी आंटी जी की डेथ हुई है, ठीक है, उस चीज़ का भी इनको असर है, वो रोने, और आपको पता ही है जो स्पेशली इन्होंने कल भी एक जो इंसिडेंट बताया था, जो अभी जो कोलकाता में उस लड़की के साथ हुआ है, उस केस के बाद तो मेरे ख्याल से हर घर में एक एंजाइटी, एक फियर है। और इन्होंने खुद बताया था कि रात भर हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोए हैं अपनी बच्ची का सोच के। तो ये जो चीज़ है वो हर एक बेटी के पेरेंट्स, मैं तो कहती हूँ बेटी के पेरेंट्स नहीं, आज तो बेटे के पेरेंट्स भी, हर इंसान जो इंसानियत है, जिनके दिल में प्यार है, जो समझते हैं, वो भी रो रहे होंगे, और उस केस को सुन के हर एक के दिल में
फियर है, एंजाइटी है, बस हमें उस लड़की को जस्टिस मिले, ठीक है, जल्दी से जो गुनहगार हैं वो पकड़े जाएं। और कहते हैं ना कि अब मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रियल गिल्ट जो रियल मतलब गुनहगार हैं वो बच जाएं, ठीक है, कहीं ना कहीं पावर, फिर पैसा पावर मतलब ऊपर उनकी जीत हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने गलत किया है, जिसने उस लड़की के साथ इतना इतना गंदा इतना घिनौना काम किया है, डेफिनेटली उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कुछ न्यू लॉज भी आने चाहिए, ठीक है। और आप लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, बहुत न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, इस टाइम सभी लोग हर घर में ये चीज़ चल रही है, हर घर में ये मतलब मैसेज किया। और मैंने जैसे इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि डेफिनेटली हर एक इन्फ्लुएंसर को आना चाहिए, सोशल मीडिया की पावर बहुत स्ट्रांग है, सोशल मीडिया पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में कि ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई इतना बड़ा गुनाह करने की हिम्मत ना करे, उसको कानून व्यवस्था से लॉ से उसको डर लगे कि हाँ अगर हमने किया तो हमारे साथ क्या परिणाम होगा, हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। तो कुछ लॉज में चेंजेस आने चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं ऑन द स्पॉट फांसी, तो देखिए ये तो मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन यस कुछ लॉज आने चाहिए कि यस जल्दी से जल्दी जो भी गिल्टी हैं इस चीज़ में, जो जो भी इन्वॉल्व है वो पकड़े जाएं। एक्चुअली में वो छुपे बैठे हैं, पावर किसी मतलब पॉलिटिशियन उसमें दबाव है या जो भी है, मतलब है ना, जो रियल लोग हैं, रियल चेहरे सामने आए और एक्चुअली में उनको गंदी से गंदी सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उस लड़की के साथ जो क्या बोलूँ जो की गई हैं चीज़ें, वाकई ये चीज़ें अंदर से ना मतलब कैसे बताऊँ मैं, जब मेरे को ये चीज़ पता चली थी मैं उस रात नहीं सो पाई थी, मैं बस वही सोच रही थी कि उस टाइम उस पर क्या बीती होगी। और आप खुद सोचिए रात के टाइम, ठीक है, अगर इतनी सी भी आवाज़ आती है ना, मतलब छोटी सी भी आवाज़ होती है, वो बहुत ही तेज सुनाई देती है, लेकिन उस टाइम वहाँ पे किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया, हाउ इज़ इट पॉसिबल, आप खुद सोचिए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी यस, मैंने जैसे इससे पहले वीडियो में बोला तो कई लोगों ने मुझे बोला नहीं यहाँ पे आप गलत हो, आपको ऐसा लग रहा है, ओवर एक्टिंग नहीं की है उन्होंने उनके इमोशन से अपने बेटे के लिए, पहली बार जब छोड़ के जा रही हैं। देखिए मैं खुद मानती हूँ कि माँ को होता है, और बस मेरे को थोड़ा थंबनेल देख के लगा था, और कुछ मेरे साथ लोग हैं उनको भी लगा था। तो चलिए इसी नोट पे मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड येस अगर आप लोग कुछ भी मेरे वीडियोज़ पर कॉमेंट करना चाहते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, प्लीज़ आप लोग कॉमेंट ज़रूर करिए, और शब्दों का प्रयोग सही रखिए, जो भी चीज़ लिखनी है एक अच्छे वे में लिखिए, ठीक है। और वैसे भी मैंने जैसे बोला है कि लोग समझदार हैं, ठीक है, वो समझ चुके हैं, वो कुछ भी गलत वे में आके मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी अंट शंट नहीं बोलते। सो बस मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।